ଦୁଇଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 20 ତାରିଖରେ ଗୋଡ଼ିଓ ମଠ ଏବଂ ମିଶନର ସଂସ୍ଥାପକ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ 150ତମ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ତ୍ରିବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। तेबे गोड़ियो मठरे आविर्भाव महोत्सव समारोह रे राष्ट्रपति सकाळे जोगदी पुष्पांजलि देवा सह सरदावाली रे विश्व वैष्णव सम्मेलन रे उद्बोधन देवार कार्यक्रम रहिछि। एथिपई मठ पक्षरु समस्त प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंचीछि। देखिए, ये हम लोग के लिए बड़ी आनंद की घड़ी है। महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ आ रहे हैं। हमारे जो प्रतिष्ठाता आचार्य है जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनके 150वां जन्म जयंती, उनके 3 साल व्यापी जो प्रोग्राम होगा, अनुष्ठान होगा सारा भारत में, उनका ही उद्घाटन महोत्सव के लिए राष्ट्रपति जी यहाँ आ रहे हैं, जिससे मठ मंदिर का प्रचार प्रसार और विस्तार रूप से जगत के सामने आएगा। इसके लिए हम लोग हर्ष और आनंद के साथ ये प्रोग्राम का स्वागत करते हैं, सब लोगों को स्वागत करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी 20 तारीख सुबह 10:35 पर यह स्थान पर आएंगे जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं। ये ठाकुर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उनके जन्म स्थान है। जब राष्ट्रपति जी यहाँ आएंगे 10 मिनट के लिए स्थान पर रुकेंगे, आकर के प्रभुपाद जी का चरण में पुष्पांजलि, प्रभुपाद जी का आरती और पूजा करेंगे। उसके साथ ये मंदिर के जो विग्रह हैं ठाकुर जी राधा गोविंद और महाप्रभु जगन्नाथ जी, इन सभी का आरती पुष्पांजलि और ये स्थान का कुछ महिमा यहाँ के संत लोग जैसे आचार्य लोग उनको सुनाएंगे और 10 मिनट के लिए यहाँ रुक करके फिर यहाँ से सरदावली ग्राउंड जहाँ पर 1 घंटे के लिए रुकेंगे और ये उद्घाटन महोत्सव अनुष्ठित होगा। आप लोग देख सकते हैं मठ में राष्ट्रपति जी आएंगे, इसीलिए पूरा मंदिर को सजाया जा रहा है। एक तो हम लोग के प्रतिष्ठाता आचार्य उनके उत्सव हैं और राष्ट्रपति जी का इसमें सुहागमन हो रहा है, तो दोनों मिलाकर के हम लोग एकदम, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल हो, चाहे वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हो, या तो हम लोग के जो वैष्णव रिचुअल्स है, जिस विधि विधान से, जिस नीति से हम लोग पूजा करते हैं, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका प्रस्तुति कर रहे हैं। गौड़ीय मिशन और उनके साथ 18 संस्थाएँ श्री क्षेत्र सारस्वत वैष्णव संघ पुरी में जो बना हुआ है, हम लोग सब एकत्रित होकर के इसका आयोजन में जुटे हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ये ग्रंथ रचना करते, से ग्रंथ प्रसार करने तंकर नाम हैला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। से निखिल माने विश्वरे जे भगवत बाणी शुद्ध बाणी प्रचार कले, शुद्ध बाणी प्रचार जितेबले ये नाई सारा विश्व प्रचार कले, तेणु प्रभुपाद से स्वरूप थिले नयन मंजरी एवं षड़गोस्वामी जे शुद्ध बाणी चैतन्य महाप्रे शिक्षा स्टक वही से कथा सारा विश्व को प्रसार कले, तेणु यही भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुद्ध भक्ति शुद्ध बाणी प्रसार करने बृहत मृदंग माध्यम सारा देश विदेश प्रसार हैला, तेणु यहीपाई आमर प्रशासन किसी आम्भपाई चेष्टा करने दरकार। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बाणी कौन ए विषय जानवा एकांत आवश्यक। राज्य सरकार भी कर्तव्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बाणी शुद्ध बाणी शुद्ध प्रेम ए कथा जानवा एकांत आवश्यक। से आम्भ माने समस्ते ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाणी शुणापाई 20 तारीख में पूरी सरदावली में विश्व वैष्णव सम्मेलन अनुष्ठित हो। वर्तमान समाज पर प्रभुपाद अवदान कौन रही से नहीं श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन रा आचार्य मैंने लोक मान बार्ता देवे। सेपरि देशर विभिन्न मठर आचार्य और सन्यासी जोगदेवे। राष्ट्रपति उपस्थिति में पुरी में उद्घाटनी समारोह सह कार्यक्रम में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, पूज्य आचार्य महोदय, गौड़ीय मिशन एवं भारतर विभिन्न गौड़ीय संस्थार आचार्यवृंद उद्घाटनी सभा उपस्थित रहेंगे।
प्रभुपादंक 150तम आविर्भाव दिवस वर्षपूर्ति उपलक्षे देशर 19टी सहर एवं विदेशर 12टी स्थानरे प्रदर्शनी आलोचना चक्र ओ सभा समिति अनुष्ठित हेबो। आधुनिकतार उग्रवाद ओ समाजर परिवर्तन भितरे भक्ति सिद्धांतंकर नीति आदर्श ओ तत्व किभळी भाबरे बहुळ मात्रारे प्रचार प्रसार होई पारिबो सेही परिप्रेक्षीरे भक्ति सिद्धांतक 150तम जन्म जयंती अवसर रे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरी आसिबे एवं सरदाबाली रे एक सभारे भक्ति सिद्धांतक प्रचार प्रसार नीति आदर्श एवं तांको बाणी को उद्भवन देबे जहा कि युवपीढ़ी मानक बेस सहायक हो पार। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ परिसर रु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन आलोक आशुतोष अर्गस न्यूज़।